कई सवाल अभी सुगतों ने खड़े किए। मुझे लगता है कि इस पूरे खेल में अभी 6 महीने पहले या 3 महीने पहले अगर हम बातचीत करते तो लोग यही कहते, अरे विपक्ष की पार्टियां एक साथ तो खड़ी भी नहीं हो सकती, तो ये चुनाव क्या लड़ेंगी। कम से कम 2 मीटिंग तो हुई, पटना में मीटिंग हुई जहां 15 पार्टियां इकट्ठा और आज 26 पार्टियां इकट्ठा, एक शुरुआत हुई है। इस शुरुआत में अभी सीट एडजस्टमेंट के बारे में तो शायद कोई बातचीत नहीं हुई, वो आगे होने वाली समय में बातचीत होगी। आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि ये एक अरिथमेटिक कम से कम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, केमिस्ट्री बनती नहीं बनती हुई, वो आने वाले वक्त का प्रश्न है। आशुतोष सर, विजय सर ने आंकड़ा जो दिया जो मैं देने वाला था, तो उन्होंने काम आसान कर दिया मेरा। अरिथमेटिकली भी बहुत चैलेंजिंग है ऑपोजिशन के लिए। 224 सीट्स पे बीजेपी का अपना वोट शेयर 50% प्लस था, जिसका मतलब ये है कि उन सीटों पे अरिथमेटिकली भी विपक्ष कुछ नहीं कर सकता अगर आप 19 के वोट्स को बरकरार रखें तो। ऑफकोर्स वो नहीं होगा, बट अगर हम एक ब्रॉड अजम्पशन लें कि 19 के वोट शेयर के आसपास ही अगर स्थिति रहती है, तो उन 224 सीटों पर तो कोई भी अरिथमेटिक एकदम परफेक्ट वोट ट्रांसफर से भी कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, एक और आंकड़ा सुगत सर ने दिया कि उन्होंने बोला कि 190 सीट्स में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, तो ये 224 सीटों का जो जिक्र किया विजय सर ने, उसमें से आधी से ज्यादा सीटें बीजेपी वर्सेस कांग्रेस थी। कंक्लूजन ये है, फॉर एनी ऑपोजिशन फॉर्मुलेशन टू बी इफेक्टिव, कांग्रेस हैज टू एटलीस्ट क्रॉस 100 सीट और एट द एक्सपेंस ऑफ द बीजेपी सीट। तेलंगाना में नहीं, ओडिशा में नहीं, आंध्रा में नहीं, दे हैव टू इंक्रीज देयर सीट शेयर इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली। अच्छा, अब आप मुझे बताओ इन स्टेट्स में कौन सा ऐसा अलायंस पार्टनर है जो उनको हेल्प कर सकता है अरिथमेटिकली? कोई भी नहीं। वहां पे कांग्रेस पहले भी अकेली थी, आज भी अकेली है। तो अब अलायंस का बेनिफिट क्या है? कॉन्ट्रेरी टू जो लोग कह रहे हैं अरिथमेटिक, मुझे लगता है इस अलायंस का फायदा केमिस्ट्री से ही होगा, क्योंकि जिन सीट्स में कांग्रेस अकेली है वहां तो कोई अरिथमेटिक बन नहीं रही, और कांग्रेस का अपने सीट शेयर को इंक्रीज करना बीजेपी के अगेंस्ट मैंडेटरी है ऑपोजिशन अलायंस को इफेक्टिव होने के लिए। तो इन स्टेट्स में ऑपोजिशन को अपनी क्रेडिबिलिटी ट्रांसफर करनी है कांग्रेस को, कांग्रेस को अपनी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ानी है उन सीट्स पर, और ऑपोजिशन का जो ये आया है पूरा एक मजमा जो लगा है उसको कांग्रेस को अपनी क्रेडिबिलिटी ट्रांसफर करनी है। तो लीडर्स को जाना पड़ेगा कांग्रेस के लिए कैंपेन करने, केजरीवाल साहब को बोलना पड़ेगा कि हम साथ हैं, नीतीश कुमार जी को बोलना पड़ेगा हम साथ हैं, सोशल जस्टिस का एक एंगल है, केजरीवाल जी का एंगल है अर्बन गवर्नेंस का, तो अलग अलग मुद्दों पे सबकी अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी है जो कांग्रेस को चाहिए उनसे। तो मुझे लगता है कि ये अलायंस अरिथमेटिकली लगता है ऑन पेपर आपको कि स्ट्रांग है, लेकिन अगर आप डेटा में जाएंगे, परतों में जाएंगे, तो बीजेपी ने कई स्टेट्स में इतनी जबरदस्त लीड बना ली है कि वहां पर। जी सर, कार्तिक, एक मेरा सवाल ये, अगर पुराने चुनाव के बेंचमार्क के आधार पे जाएं तो जो पार्टी हारी है वो तो अगले चुनाव में कभी जीतेगी नहीं, क्योंकि अगर 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 ये मान लिया जाए, क्योंकि तमिलनाडु में अक्सर होता है कि एक बार विधानसभा के चुनाव में डीएमके स्वीप करती है, अगले में आईडीएमके स्वीप करती है, और अगर पुराने चुनाव के बेंचमार्क माने तो अगले चुनाव में वो पार्टी जीत ही नहीं सकती। जैसे राजस्थान के अंदर आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी 22 सीट लेकर आई। अगर पुराने डेटा को बेंचमार्क मारते तब तो कांग्रेस कभी जीतती नहीं वहां पे। तो ये मिसनॉमिनर नहीं अपने आप में कि चूंकि कांग्रेस, चूंकि बीजेपी पिछले चुनाव में कुछ राज्यों में 50% से ज्यादा वोट लेकर आई है, इसलिए अगले में वो फिर 50% लेकर आएगी, इसकी क्या गारंटी? अगर ऐसा होता तो 1984 में कांग्रेस को 415 सीटें मिली थी, और उसमें बहुत सारी ऐसी सीटें रही होंगी जहां 50% ज्यादा वोट रहा हो, तो 89 में तो कभी हारते नहीं वो। तो ये प्रोफेसर साहब का टफ क्वेश्चन है, इसको मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा ब्रेक डाउन करके कि देखिए, आपका बिल्कुल सही आंकलन है। मैंने पहले ही कैवियट किया कि ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन आप एक उसको रफ एस्टिमेट मान के चलिए, पहली बात। दूसरी बात, रीजन क्या है कि ऐसा क्यों होने के चांसेस ज्यादा है, या मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट वही आएगा या 60% का 52 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, आप 10% वोट शेयर ड्रॉप भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या 84 का आपने एग्जांपल दिया, 84 से 89 के बीच क्या क्या हुआ था? मैं तो उस समय पैदा भी नहीं हुआ था, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। डिसरप्शन आई थी इंडियन पॉलिटिक्स में,
डिसरप्शन आई थी इंडियन पॉलिटिक्स में, तब जाके 414-197 बन गया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या पिछले पांच साल में कोई डिसरप्शन आई है? पिछले पांच साल में हालांकि कोविड हुआ, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, लेकिन क्या पॉलिटिकल डिसरप्शन आई है? अगर आई होती तो मोदी प्राइम मिनिस्टर आज भी सबसे टॉप पे नहीं होते और गैप इतना बड़ा नहीं होता। सेकंड नंबर पे जो राहुल गांधी जी, उनका गैप कम हो रहा है लेकिन अभी भी वो डिस्टेंट सेकंड है, लेकिन वो गैप अभी भी बरकरार है। उसका रीजन बताइए आप मुझे, किसका मतलब है कि कोई डिस्ट्रप्शन नहीं हुआ? इंक्रीमेंटल ग्रोथ कांग्रेस की हुई है, कांग्रेस कर्नाटक जीती है, हिमाचल जीती है, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी अच्छा करेगी, आज समय भी अच्छा कर सकती है, तेलंगाना में पिकअप कर रही है सरप्राइजिंगली, मिजोरम में भी अलायंस बन सकता है, लेकिन क्या कोई डिसरप्शन नहीं हुई? इस वजह से हम ये मान के चलते हैं कि जो पहले परफॉर्मेंस थी उसके प्लस माइनस आप 5-10% लेके चल लीजिए। वो 50% प्लस जो आया उसमें से बीजेपी का कुछ बेस वोट तो रहा ही होगा, वो बेस वोट तो कहीं नहीं जा रहा। सारी लड़ाई स्विंग वोटर की है, आपको स्विंग वोटर को अपनी तरफ लाना है। इसमें मैं सुगोदा सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ऑपोजिशन के कैंप से हो सकता है वो करें इसको बाद में। मुझे जो एक मिसिंग कंपोनेंट लग रहा है वो एक एस्पिरेशनल एंगल नहीं दिख रहा मुझे, मुझे वेलफेयरिज्म दिख रहा है, मुझे सोशल जस्टिस दिख रहा है, लेकिन आज के इंडिया के लिए मुझे एक एस्पिरेशनल एजेंडा अभी तक नहीं दिख रहा, जो 2014 में बहुत बहुत हाई था। अगर आपको याद हो 14 में आप एस्पिरेशनल एजेंडा अच्छे दिन करके आए थे, वो आज की तरीके मुझे मिसिंग लग रहा है। हो सकता है इस पर काम किया जाए, बट फिर आशुतोष सर बात वही है, मुझे लगता है अरिथमेटिक से ज्यादा यहाँ पे केमिस्ट्री काम करनी पड़ेगी। ऑपोजिशन पार्टीज को, कांग्रेस को अपनी क्रेडिबिलिटी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑपोजिशन के लीडर्स को मिलाकर आपको एक फेस को टेक ऑन करना है, तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है। ठीक निर्जा जी, तो मुझे थोड़ा डेविल्स एडवोकेट का प्ले करना ही पड़ेगा। ये जो लॉजिक बार बार दिया जाता है कि 50% ज्यादा है, कितना कम होगा, 5% कम होगा, 7% कम होगा, फिर भी उसका वोट शेयर तो विपक्ष से आगे रहेगा, इस लॉजिक के आधार पर तो कर्नाटक में कभी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी नहीं सकती थी। उस लॉजिक से अगर हम जाएं, उस लॉजिक से अगर जाएं तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तो कभी बनी नहीं सकती थी। क्या आज की तारीख में पुराने बेंचमार्क के आधार पर हम 2024 का आकलन कर सकते? इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी देश के सबसे पॉपुलर लीडर, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन तो उसके बावजूद भी बीजेपी का अपना वोट शेयर 37% है और कांग्रेस पार्टी जब भी मेजोरिटी में आई है 42% प्लस है। 37% जो वोट शेयर है ये बहुत वल्नरेबल है, इसमें 2% भी अगर कम हो जाएगा तो बीजेपी की 30-40 सीटें कम हो सकती हैं और वो मेजोरिटी मार्क नहीं पा सकती। क्या हम इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं? आई थिंक आशुतोष, इसका हमें अभी पूरी तरह से आभास नहीं है कि जनता में क्या नाखुशी है, नाराजगी है, आक्रोश है। इकोनॉमिक मुद्दों को लेके जहां तक महंगाई का सवाल है, आप लोगों से जो लोग बोलते हैं ना वो काफी कड़वा बोल रहे हैं, उनको पीड़ा है। अब ये आक्रोश में परिवर्तित होगा तो जो आप कह रहे हैं ना, सिचुएशन बदलते देर नहीं लगती है, या फिर क्योंकि यहाँ खिचड़ी है ना, तो ये खिचड़ी कॉन्सेप्ट जो है ना, अलायंस का कॉन्सेप्ट, ये कहीं ना कहीं क्लिक किया है कि नहीं किया, इसके जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन दो पॉइंट्स मैं कहना चाहूंगी, एक तो अभी जो कहा कि एस्पिरेशनल इंडिया को अपोजिशन नहीं एड्रेस कर रहा, एक इफेक्टिव सोशल एक्सेस बन रही है SC ST OBC मुस्लिम, जो कर्नाटक में विनिंग एक्सेस थी, और जगह भी एक्सेस बन रही है, और जो सोशल वेलफेयरिज्म 5 गारंटीज की बात हुई कर्नाटक में, वो कांग्रेस आगे कर रही है और भी पार्टीज आगे कर रहे हैं, और उसका ट्रैक्शन है, उसका रिस्पांस है। लेकिन जो ग्लूम और डूम स्टोरी है ना, जो अपोजिशन की तरफ से आती है कॉन्स्टेंटली, GDP इतना गिरेगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मोदी, आप अपील नहीं कर रहे हो, एस्पिरेशनल इंडिया की नजरें और कहीं हैं, वो गुड स्टोरी सुनना चाहते हैं, और गुड स्टोरी देना आसान हो जाता है जबकि एक लोकप्रिय नेता हो जो नेतृत्व करे। यहाँ वो एक, अब राहुल गांधी को नई नजरों से लोग देख रहे थे, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन वो डिस्क्वालिफाई हो गए, उनको सहानुभूति भी है, लेकिन लीडरशिप को लेके वहाँ एक बड़ी खामी है। एक चीज मैं कहूंगी, लेकिन हम लोग जिस चीज को देख रहे हैं ना, वो नहीं, ये नहीं देख रहे हैं कि ऑपोजिशन जीत जाएगा अगली बार। सवाल है क्या ऑपोजिशन
भाजपा की टाली को 70-80 सीटें कम कर देगा। अगर कम कर देता है तो खेल बदल जाएगा, जुडिशरी को सिग्नल जाएगा, मीडिया को सिग्नल जाएगा, ब्यूरोक्रेसी को सिग्नल जाएगा, सबको सिग्नल जाएगा और एक चेक्स एंड बैलेंसेस की राजनीति शायद आ जाए कोलिशन वर्सेस कोलिशन में। अब यहाँ ऑपोजिशन में सैक्रिफाइस की भी जरूरत होगी, एक सेल्फ इंटरेस्ट की तो अपने को कायम करना। मुझे याद आ रहा था आप बात कर रहे थे, सॉरी मैं टाइम ले रही हूँ, जस्ट टू फिनिश, वीपी सिंह जब 89 में क्राफ्ट कर रहे थे ना अलायंस, उससे पहले ही उन सालों में, तो उन्होंने बीजेपी के एक नेता को कहा था, पहली लड़ाई हमारी कांग्रेस की है, पहले राजीव गांधी को बाहर करना है, जब वो हो जाएगा हम आपस में निपट लेंगे। तो बहुत क्लियर थे वो। अब आज के ऑपोजिशन में क्या ममता बनर्जी का कहना है कांग्रेस को दे दीजिए, सॉर्ट आउट कर लेते हैं, बाद में हम लड़ लेंगे जो करना होगा, वो भावना इस समय नहीं दिख रही है। ठीक है, आप कह रहे वो भावना अभी नहीं दिख रही है।